हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे. यार आज हम आपको दिखाएंगे आर्मी का टैंक. मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा. फटाफट आपको बताती हूँ मैं इस टैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये वर्क करता था, कितने इसके अंदर टायर है, कहाँ से ये ऑपरेट करता था, सबके ऊपर बात करेंगे अब वन बाय वन. आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की. आप देखिए आपको पूरा नीचे से दिखाई दे रहा होगा. मूवीज़ में सीन देखे ना अपने के बंदे लेट जाते थे उसके ऊपर से चला जाता था, वो देखो वही फंडा है यहाँ पर. इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है. इसके टायर्स देखिए और इसमें शॉकर्स देखिए. अगर बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ यार, तो स्टील एलुमिनियम की बातें करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर लोहे का यूज़ किया गया. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये. और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो देखिए आजकल ना किट लगती है नीचे एलुमिनियम की, उसको रस्ट से बचाने के लिए. इसमें पूरा पहले से ही कवर्ड है. इतना अच्छा इसको सेफ्टी प्रोवाइड की गई है नीचे से कि कोई भी चीज़ अगर लगेगी तो उसकी बॉडी ख़राब होने के चांसेस नहीं है. और इसमें जो इतना सारा लोहा यूज़ किया गया उसका पर्पज़ ये है कि हम लोग बचते हैं नॉर्मल गाड़ियों से, किसी स्कूटर से, बाइक वाले से, कोई जानवर ना आ जाए हमारी गाड़ी के नीचे. इसको बचना होता है बॉम्ब से, राइफल्स से, तो इसलिए इसकी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे. साइड में आते ही जैसे मैं गाड़ियों में आपको कहती हूँ सबसे पहले नज़र पड़ती है हमारी टायर्स पे, इसके टायरों पे नज़र डालो यार. टायर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है मेरे, मैं तो इसे मॉन्स्टर टायर कहूँगी, बहुत ज़्यादा बड़े हैं ये. यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है मेड इन पोलैंड, पोलैंड से बन के आए हैं ये. और मतलब किसी भी चीज़ में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखाई देगा, चाहे आप इसकी बॉडी की बात कीजिए, टायर की बात कीजिए. टायर साइज़, सी द टायर साइज़ यार, इतना अमेजिंग है. इतना ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के टायर्स हैं ये, क्या बात है. इसके टायर्स के अंदर कोई हवा नहीं भरी जाती, ये फुल ऑन रबर से बने होते हैं और ये पंचर नहीं हो सकते, फुल ऑन बुलेट प्रूफ होते हैं ये. और इनका इतना ह्यूज साइज़ होना उसका भी रीज़न है क्योंकि हमारे जो कार के टायर्स हैं ना, हम लोग उन्हें कील से बचाते हैं, कोई बॉटल टूटी हुई है शीशे से बचाते घूमते रहते हैं. इनको बचना है भाई अगेन बॉम्ब से, राइफल से, नीचे से वो क्या बॉम्ब होता था, क्या कहते थे यार उसके ऊपर टायर आता था तो क्या था, लैंड माइंस, उनसे बचना होता था. तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इनको बनाया जाता था. वेल डन. और हम बात करते हैं कार के अंदर एलॉयज की. इसमें देखिए ये फुल ऑन सॉलिड आयरन से बना हुआ है. और जो नट्स हैं हमारे पास टोटल 4-5 होते हैं, 6 होते हैं मैक्सिमम. इसमें देखो भाई कितने नट्स हैं, अंदर भी है, बीच में, यहाँ पे भी है. मुझे इस टायर का साइज़ बताएंगे आप लोग, क्या प्रोफाइल होता है इन टायर्स का. यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है तो मैं नहीं बता पा रही इसे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है. ये कस्टम चीज़ें होती हैं जो स्पेशली आर्मी के लिए बनती है, तो इन पे एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल मैटर भी होता है. बैक प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यार इसमें एज सच कोई बूट ओपनिंग ये सब चीज़ें नहीं है. सीधा सेंटर से आप इसके अंदर एंटर करेंगे, ट्विन एग्जॉस्ट आपको मिलेंगे, एक इस साइड पे दिया गया है और एक है आपके राइट साइड पे. और ये आपको दोनों साइड पे हुक दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ भी खींच सकते हैं, लिटरली दूसरा ट्रक भी खींच सकते हैं. यहाँ पे इसके शॉकर्स देखिए यार, कितने बड़े बड़े साइज़ के हैं. ओ माय गॉड, यहाँ पर सब चीज़ें कस्टम मेड है स्पेशली आर्मी के लिए. कोई भी चीज़ें आपको ऐसे नहीं मिलेगी कि आप हाँ आफ्टर मार्केट या इधर उधर से खरीद के लगा देंगे. यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, ये कुछ ओपनर्स हैं. ये उस टाइम पर एयर ओपनिंग के लिए दिया जाता था, जैसे हमारी विंडोज़ होती है ना उसी टाइप का है ये. तो यार बाहर से तो ऐसा चीज़ में और कुछ नहीं है, ये लोहा ही लोहा है क्योंकि इसका पर्पज़ कुछ और है. ये यहाँ पे कोई शोशाबाजी की चीज़ नहीं है, ये हमारी कंट्री के लिए स्पेशली आर्मी के लिए डिज़ाइन किया जाता है, फाइट के लिए इस चीज़ को यूज़ किया जाता है. तो इसमें हम बात करें कि इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए तो वो सब ब्यूटिफिकेशन की चीज़ें नहीं है. फुल लॉन एक सॉलिड चीज़ है जिसको यूज़ किया जाता था पहले,
अब इसका यूज़ नहीं है क्योंकि नए नए एडवांसमेंट के साथ आपके पास नए नए टैंकर्स आ चुके हैं, तो ये अब रिटायर हो चुका है और इसीलिए हमने आपको इसका रिव्यू दिया है कि आप देखिए कि पहले किस तरीके से फाइट में हमारे टैंकर्स काम करते थे। चलो अब इसके इंटीरियर में चलते हैं। यार ये था हमारा आर्मी का टैंक, मज़ा आ गया इसको रिव्यू करने में। जितना मज़ा मुझे बताने में आया है होपफुली आपको उतना ही सुनने में आया होगा। अगर कोई चीज़ मैंने मिस की है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्मी पर्सन नहीं है जो मुझे डिटेल में बता पाते, तो जितना मुझे पता था उतना ही आपको मैं बता पाई हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे दोबारा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।